वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि शेखर और रिंकी रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन उनकी अक्सर लड़ाइयां होती रहती हैं, जिसका फायदा शेखर का बेस्ट फ्रेंड विनय उठाता है और बार बार रिंकी को अपने साथ ले जाता है। शेखर विनय पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, लेकिन विनय शेखर का भरोसा तोड़ देता है और एक दिन शेखर को पता लगता है कि विनय और रिंकी रिलेशनशिप में है। इसके बाद की कहानी आगे देखते हैं, और जिसने पहला पार्ट नहीं देखा हो वो पहला पार्ट जरूर देखें, पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काबिलियत है उसमें, इसीलिए आज उसके साथ हूँ। अगर तू जॉब करता होता ना, कमाता होता ना अपने दम पे, तो तेरे साथ होती, तुझे छोड़ के नहीं जाती मैं। रिंकी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, मैं तुझसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर तू कहेगी तो मैं जॉब करूंगा, बेशक मुझे कोई छोटी मोटी जॉब ही करनी पड़े, प्लीज यार मेरी जिंदगी में वापिस आ जा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बहुत हो गया तेरा ड्रामा, बहुत देर से देख रहा हूँ तुझे, अब वो तेरी नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है, समझ रहा है ना तू? तुझे सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दोस्त था, वरना मार मार के तेरा भूत बना देता। अब इसे परेशान मत कर दे, समझ रहा है? चल निकल यहाँ से, चल आओ बैठो यार, सारा मूड खराब कर दिया इसने। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां, लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए, जिसके था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। शेखर, तू इतना परेशान क्यों है? बता, कोई बात है क्या? क्या बताऊं यार भाई, रिंकी ने मुझे छोड़ दिया और वो विनय के पास चले गई है। भाई रिंकी ने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, पर भाई मैं जॉब करना चाहता हूँ, लेकिन यार मेरी जॉब सिर्फ 10-15 हज़ार की लग रही है, जबकि मेरी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। यार अगर मैं 10-15 हज़ार की जॉब करूँगा तो मेरी डिग्रियों का क्या फ़ायदा? कभी कभार तो मन करता है कि ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि मेरे परिवार का क्या होगा, और यार जो मेरे आस पड़ोसी हैं, छोटे बच्चे हैं, वो मुझसे क्या सीख लेंगे? और यार ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अनमोल है, इसे ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, बस इसीलिए रुक जाता हूँ यार। देख भाई,
तेरी नौकरी रिंकी और विनय के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा होगी, तो तू नौकरी कर ले। सही कह रहा भाई, मैं जॉब करूंगा, लेकिन यार आजकल तो कोई इंटरव्यू भी नहीं आ रहे। अगर शेखर ऐसी बात है तो मैं तुझे कंपनी का एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है? वो मेरे फ्रेंड के फादर ही कंपनी है, तू कल वहाँ जा और इंटरव्यू दे, और मुझे तो उस पर पूरा भरोसा है कि तू इंटरव्यू जरूर क्रैक कर लेगा। अभी चल मेरे भाई घर चल। शक्ल देख ली, अब मुझे शक होता है कि मैं इंटरव्यू क्रैक कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तुझे तो बस शक होता है, मुझे तो पूरा यकीन है तू ये इंटरव्यू कभी क्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरा बस की ना कुछ भी नहीं है। अपनी ये फालतू की बकवास ना अपने पास रखो, वैसे ही तुमने मुझे जिंदगी में बहुत ज्यादा गम दे दी है, और हाँ अब मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। और जहाँ तक इंटरव्यू की बात रही, वो तो मैं क्रैक करूंगा ही, और स्टेप बाय स्टेप सक्सेसफुल भी होऊंगा, तुम देखती रहना। अब ना मेरी जिंदगी से दूर रहना, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे अभिषेक भाई थैंक यू सो मच यार, तेरी वजह से मेरी जॉब लग गई। अरे यार दोस्ती के नाते ये तो मेरा फर्ज था, अब बैठा क्या है भाई, चल पार्टी करते हैं, और पार्टी के पैसे आज मैं दूंगा। और हाँ ऐसा नहीं है कि पार्टी ये फ्री में है, जब तेरी पहली सैलरी आएगी तो तू पार्टी मुझे देगा। अरे भाई पक्का पक्का पक्का, चला पार्टी करते हैं। चल अरे अभिषेक अरे भाई खड़ा किया, बैठना यार। और बता। बस बढ़िया यार, तू बता। बस बढ़िया शेखर, मैं तुझे किसी से मिलाना चाहता हूँ। किससे? विनय, रिंकी। अभिषेक तेरे को पता है दोनों कौन है? ये दोनों रिश्तों को बदनाम कर देने वाले वो दिमाग हैं, जो जीते जी रिश्तों में से जान निकाल देते हैं और रिश्तों को मुर्दा कर देते हैं, जिसके बाद होता ये है कि रिश्तों को शिद्दत से दिबाने वाला बंदा टूटकर बिखर जाता है। ये दोनों रिश्तों की आलिशान रंगीन दुनिया को बदनाम कर देने वाली काली कालिक हैं। अरे यार तुम क्या सोच रहे हो, मेरी जॉब लग गई है तो मेरी कोई महंगी जॉब लगी है? 15,000 की जॉब लगी है इसलिए कोई अमीर वमीर नहीं बना हूं, तुम मुझसे अभी भी रिश्ता तोड़ सकते हो। अभिषेक इससे पहले कि मैं इन दोनों को कुछ उल्टा बोल बैठूं, इन दोनों को मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाने को कह दे। शेखर तुझे आधी सच्चाई पता है, तेरे को पूरी सच्चाई मैं बताता हूँ। हाँ विनय भाई, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देख अभिषेक, दरअसल बात ऐसी है कि तू जानता है शेखर लाइफ को लेकर सीरियस बिल्कुल भी नहीं है, और इसी वजह से मैं और रिंकी आजकल बहुत ज्यादा परेशान है। हमने कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन उसे शायद बातें समझ नहीं आ रही है। हमने ये डिसाइड किया कि हम उसके सामने एक नाटक करेंगे झूठा रिलेशनशिप में आने का, और वो टूटेगा यार, उसको लगेगा कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया और उसके प्यार ने भी, और ऐसी सिचुएशन में मुझे उसको संभालना होगा। ठीक है विनय भाई, तुम उसकी भलाई के लिए ही करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू विनय भाई, थैंक यू। अरे यार मैंने जाने अनजाने में तुमसे बहुत ज़्यादा बुरा कह दिया, जबकि सच कहूँ तो तुम दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हो। सही बताऊँ तो तुम दोनों हमेशा सही थे, क्योंकि मैं घर पर खाली बैठा रहता था, मैं सोचता था कि
मुझे सीधा 50-60-70 हज़ार या 1 लाख की जॉब मिलेगी। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमेशा इंसान को एक नीचे के तबके से शुरुआत होती है, वो एकदम से बड़ा आदमी नहीं बनता। लेकिन यार सच कहूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ क्योंकि मेरे दोस्त और प्यार मेरे बारे में सोचते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जिस इंसान के दोस्त और प्यार उसका साथ देते हैं ना, उसे दुनिया में सक्सेसफुल होने से कोई सी भी ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि इन दो रिश्तों के भरोसे इंसान ज़िंदगी की बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें वो अपने परिवार वालों को नहीं कह सकता, वो अपने दोस्त से या फिर अपने प्यार से कहता है। माफ़ी मांगने काबिल तो नहीं हूँ, पर यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने तुमसे सच में बहुत ज़्यादा उल्टा बोल दिया है। अरे कोई बात नहीं शेखर, दोस्ती में इतना तो चलता है यार। तुमसे इतना प्यार करती हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। अरे अब मुस्कुरा मत, जल्दी से शादी की तैयारी कर, निकी यहाँ के खड़े हो जाओ ना उसके साथ। अरे भाई अब क्या पार्टी देगा क्या मुझे? अब कैसी बात कर दिया, चलो सारे पार्टी में चलते हैं। चलो